हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज है भगवान की छठी और आज हम छठी के हिसाब से बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए हैं। आज का सारा काम मेरी बहू ने किया है और सारी तैयारी छठी की बहू ने करी है और बहू ही आज पूजा करेगी। सारा भोग सब कुछ जो भी काम है सुबह से आज बहू कर रही, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। हल्की हल्की तबीयत मेरी ख़राब उसी दिन से शुरुआत हो गई थी, भगवान के जन्मदिन से ही। मगर और तबीयत ऐसी कुछ खास ख़राब नहीं, केवल ये मेरे हाथ में ये देखिए फोड़ा हो गया है। ये छोटी सी फुंसी थी, वो उसने फोड़ा का रूप ले लिया है। तो मेरे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, जिसमें आज मेरा कोई काम में भी मन नहीं लग रहा था। पर बहू रानी को हमने बता दिया, उसने सारी तैयारी अकेले कर ली है। तो बस चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि अभी क्या क्या तैयारी बहू रानी ने करी है और वो पूजा करेगी, तो बस कैसे भगवान की छठी हम मनाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं अभी आपको। ये बहू रानी आके बैठ चुकी हैं पूरी तैयारी के साथ। तो ये भगवान के वस्त्र रखे हैं, अभी छठी में नहला धुला के भगवान को ये पहनाया जाएगा। इधर पूजा की थाली तैयार रखी है, ये देसी घी रखा है भगवान के मसाज के लिए और ये दूध रखा है कच्चा इस भगवान जी को नहलाने के लिए। उसके बाद जल से नहलाया जाएगा। ये भोग में सबसे मेन भोग होता है आज का कढ़ी चावल रोटी पूड़ी और ये सब्जी, और मीठे में आज बनाई है मीठे सिवाई। और ये मेवा वाला भोग है, ये अनार के दाने हैं, ये कढ़ी की पकौड़ी दही की पकौड़ी है और ये खीरे का रायता है और ये पपीता है भोग में। तो जितना कुछ हो चुका है, 7-8 तरीके का भोग भी भगवान का तैयार हो गया है और ये भगवान जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं भोग लगाने के लिए। कि बस जल्दी से हमको नहलाया धुलाया जाए और हम भोग लगाएं। तो बस चलती चलो बहू रानी, अपना काम शुरू कर दो, भगवान को नहला धुला के भोग लगाओ छठी का। तो ये तुलसा दल रखना भूल गए थे और यहाँ अलग से रखा था, तो ये सब में तुलसा दल रख रही है। और आज हमारे यहाँ लाइट बहुत डिम आ रही है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो सबसे पहले देसी घी से भगवान जी की मसाज हो रही है, मालिश छठी में। देसी घी से मालिश होने के बाद अब दूध से नहलाया जा रहा है भगवान को, जल से स्नान। भगवान को बांसुरी पकड़ा दी, झूला झूला छठी में। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तो अब दूसरे वाले कान्हा जी जा रहे हैं नहाने के लिए, इनका भी श्रृंगार हो जाए फिर भोग लगाया जाए। देसी घी से मालिश। तो ये दोनों कान्हा जी नए नए कपड़े पहन के छठी में तैयार हो चुके हैं और सिंहासन में इनका श्रृंगार पूरा हो चुका है। तो बस अब भोग लगने जा रहा है कान्हा जी का। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, रुच रुचि भोग लगा मेरे भगवन, सबरी के बेर सुदाम के तंदुल, सबरी के बेर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ
रे भगवन दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन सब अमृत हो जाए मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन आओ भोग लगाओ मेरे भगवन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवन से पूजा में वो भूल हुई है बालक जान जमा कर भगवन आओ भोग लगाओ भगवन कुंज बिहारी केश गिरधर कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी केश गिरधर कृष्ण मुरारी के गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की वहीं रखो आरती हाँ हाँ भगवान की नजर उतारते हुए और ये नजर उतारे हुए पैसे किसी गरीब को हम दे देते हैं तो बस बोलो कन्हैया लाल की जय।